नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के आज के इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को पूछा गया था कि आपके बनाए गए 100 शतक पे आपके अनुभव क्या है। जवाब में कहा था कि इन 100 शतक के पीछे हजारों गलतियां की एहसास है, कई बार जीरो में, कई बार 90 रन बनाने के बाद आउट होने की गलती। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने भी सक्सेसफुल लोग है उनके जर्नी में भी बहुत सारी गलतियां हुए है, पर रुके नहीं, झुके भी नहीं, आगे बढ़ते गए। अक्सर क्या होते हैं कि एक दो गलतियां की वजह से ज्यादातर लोग ये बिजनेस छोड़ ही देते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो के जरिए ऐसी 8 गलतियां के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर हो जाते हैं, पर अब से ध्यान दीजिएगा ताकि और ना हो। आप और आपके डाउनलाइन अगर ये गलतियां सुधार लिए तो आपकी सक्सेस पक्का। नेटवर्क मार्केटिंग के पहला दिन, जब भी आप इस बिजनेस से जुड़ जाते हैं तब कुछ लोग आप पे हंसेंगे, ये भी बोलेंगे कि कुछ और काम नहीं मिला क्या। ऐसे में कभी जवाब मत दीजिएगा, चुपचाप अपना काम करते जाइए, आपका कामयाबी ही जवाब होगा। आपके छवि सोशल मीडिया पे क्या है? सोशल मीडिया में कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट ना देना और वैसी पोस्ट पर रेस्पॉन्स मत करना, स्पेशली रिलीजियस और पॉलिटिकल पोस्ट। ऐसी पोस्ट से हमेशा दूर रहिएगा और नहीं तो आप बहुत लोग खो जाएंगे, आपके सामने किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में एक्टिव रहिए अपने फायदे के लिए। अपना छवि बनाइए नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह। अपने अचीवमेंट, रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन की पोस्ट अपलोड कीजिए और उसके बाद देखिए इस विषय में जो भी आपके साथ बात करेंगे वो आपसे जुड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में सतर्क रहिए, कोई भी सेंसिटिव पोस्ट मत कीजिए और किसी भी सेंसिटिव पोस्ट पे रेस्पॉन्स भी मत कीजिए जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। प्रोस्पेक्ट के साथ बहस ना करें, आर्गुमेंट ना करें। क्लाइंट आपके बातों पे सहमत ना भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सही हो, फिर भी आर्गुमेंट से दूरियां बढ़ जाते हैं। आप उनको गलत साबित मत करो, आर्गुमेंट से आप जीत भी जाएंगे पर ये आदमी आप खो देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का काम किसी को गलत साबित करके जीतने का नहीं। प्रोस्पेक्ट जो भी बोलते हैं उनके बातों पे एग्री कर जाइए, बोलिए कि सर आप एकदम सही हो और फिर देखिए आपके सुनेंगे। हर कोई चाहते हैं कि सामने वाला उनको इम्पोर्टेंस दे, तो दोस्तों बहस कभी नहीं। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, जब भी आप आपके अपलाइन को लेकर किसी क्लाइंट के पास जाते हो तब आप आपके अपलाइन के इंट्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंस क्लाइंट के इंट्रोडक्शन पे देते हो, जैसे कि इनके ये बिजनेस है, 10 गाड़ियां है, बहुत बिजी है, और फिर क्लाइंट का इतना ऊंचा फीलिंग्स हो जाते हैं कि आप दोनों उनके सामने कुछ भी नहीं। जहां पे आपको करना था अपलाइन की इंट्रोडक्शन पे ज्यादा इंपोर्टेंस देना था कि मेरे अपलाइन बहुत बिजी रहते हैं, रोज ट्रेनिंग या सेमिनार अटेंड करते हैं, कल ही जयपुर से आया है और स्पेशली आपके लिए समय निकाल के आपको मिलने के लिए आ गए। ऐसे में इनडायरेक्टली आप क्लाइंट को भी इंपोर्टेंस दे दिए, अब क्लाइंट भी सोचेंगे कि इतना बिजी शेड्यूल में भी मेरे लिए टाइम निकाल के आ गया। तो दोस्तों याद रखना, अपलाइन की इंपोर्टेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलाइन के सब काम आप मत करना। 2-3 बार आप उनके साथ प्लान दे सकते हो, हर बार नहीं। डाउनलाइन की आदत सुधारिए, डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, और यही काम डाउनलाइन तक डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको एक अच्छी अपलाइन बनना है, डाउनलाइन के गुलाम नहीं। टीम के किसी को भी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ईगो हर्ट होते हैं। स्पेशली 1-to-1 जब बैठेंगे तब किसी और के उदाहरण मत दीजिए, किसी और के तारीफ भी मत कीजिए। अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाते हैं, जैसे कि उसने ये किया, वो किया, जब वो कर सकते हैं तब आप क्यों नहीं। ऐसी तरीका से आप किसी को शर्मिंदा ही कर रहे हो, ईगो हर्ट कर रहे हो, मोटिवेट नहीं। अकेले में दूसरों के बात कभी मत करना, उनके टैलेंट के बारे में ही बात करना, वरना ये आदमी भी खो देंगे आप। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किसी का ईगो हर्ट ना हो, ये एक सेंसिटिव बिजनेस है, किसी भी तरीका से लोगों को साथ रखना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब किस बात पे कौन मोटिवेट हो जाते हैं और आपकी जिंदगी बदल देते हैं। किसी का भी कमियां मत निकालना,
अगर कमियां निकालते रहेंगे तो आपके साथ कोई नहीं बचेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। किसी का भी 10 कमियां आप मिनटों में निकाल सकेंगे, ये बहुत आसान है। ये ना करके आप सिर्फ एक खूबियां निकालिए और उसका सराहना कीजिए और फिर उस खूबियां लेके काम करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपका साथ कोई नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दुनिया अगर कमियां पे चलते तो रिश्ता नहीं रहते, दुनिया खूबियों पे चलते है। किसी का भी 10 कमियां हो सकते हैं पर एक खूबिया जिंदगी बदल सकते है। जरूरत से ज्यादा ना बोले, हो सके तो जरूरत से थोड़ा सा कम ही बोले। बड़ी बड़ी बातें ना करें, शुरुआत में ही बहुत ज्यादा अर्निंग के बात मत करें। ये तरीका पुरानी हो चुके हैं, लोग बोर हो जाते हैं। प्रोस्पेक्ट ये बात कई बार सुन चुके हैं, आपके स्मार्ट बिहेवियर ही बहुत है। तो दोस्तों इन बातों पे गौर कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए ढेर सारे टिप्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।